हेलो फ्रेंड, ये T5 एंड्रॉयड कार स्टीरियो है और इस कार स्टीरियो में आपको कार प्ले और एंड्रॉयड ऑटो का फीचर मिल जाता है। और जब आप एप्लीकेशन चेक करोगे इस लिस्ट में, आपको एक जेडलिंक का एप्लीकेशन मिलेगा, बट इस प्लेयर में जेडलिंक का एप्लीकेशन नहीं है। तो आपको इसे रीइंस्टॉल कैसे करना है, इसे इनेबल कैसे करना है, आज मैं आपको बताऊँगा। उसके लिए सबसे पहले आपको करनी क्या है, कार सेटिंग में आनी है, उसके बाद सिस्टम सेटिंग में आनी है, फैक्ट्री सेटिंग में आनी है। फैक्ट्री सेटिंग का पासवर्ड 1617 6699 है, और या तो आपका पासवर्ड रहेगा 2014 6699। इसे कंफर्म करनी है। जब आप कंफर्म करोगे तो फीचर सेटिंग में सबसे नीचे आप देखोगे कार प्ले का ऑप्शन है, इस कार प्ले ऑप्शन को क्या करना है, टिक करनी है, और राइट टॉप कॉर्नर में सेव का बटन है और इसे सेव कर दीजिएगा। सेव करने के बाद आपका प्लेयर स्टार्ट हो चुका है, और इसे एप्लीकेशन लिस्ट में जाकर चेक करेंगे कि जेडलिंक का एप्लीकेशन रीइंस्टॉल या इनेबल हुआ है कि नहीं। उसके लिए सबसे पहले आपको एप्लीकेशन में क्लिक करनी है, और एप्लीकेशन के लिस्ट में जाकर चेक करेंगे कि जेडलिंक का एप्लीकेशन इनेबल हुआ है कि नहीं। यहाँ पे देख सकते हैं जेडलिंक का एप्लीकेशन इनेबल हो चुका है, और जब आप जेडलिंक पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे शो हो रहा है इनएक्टिवेटेड। तो इसे एक्टिवेट करने के लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि इसे एक्टिवेट कैसे करनी है और एंड्रॉयड ऑटो और कार प्ले का फीचर कैसे यूज़ करना है। उसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो कि आप चेक कर सकते हैं।